चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी चैनल पर। चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग, वाईफाई स्टडीज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। नमस्कार, एक बार जल्दी से बताएं, आवाज आ रही है आप सभी को? फिर स्टार्ट करते हैं आपने आज बैक टू बैक सेशंस को। जो मैंने आपको कहा था कि फ्राइडे को दोपहर 3 बजे से बैक टू बैक सेशन लाऊंगा, तो अभी हिस्ट्री करा रहा हूँ। इस क्लास के जस्ट एंड होते ही आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे पॉलिटी का लिंक मिलेगा, फिर आपको एक पूरा करंट अफेयर स्टैटिक जीके का लिंक मिलेगा। तो बैक टू बैक आपको जो सेशन मिल रहे हैं पढ़ लो। मैं आपको अश्योरिटी देता हूँ आपका CGL CHSL जो भी आने वाले एग्जाम है वो क्रैक होंगे, ठीक है, आज की रिवीजन से, आज के नए क्वेश्चन से। बहुत सारे नए क्वेश्चन, बहुत सारी रिवीजन आपको आज करने को मिलेगी। बताएं आवाज़ आ रही है? और ध्यान रखें कि आपका एक नया बैच लेके आ रहा हूँ मैं, 13 अप्रैल से आ रहा है। पूरी एक अच्छी टीम आपको पढ़ाने वाली है, एक स्ट्रक्चर्ड बैच। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं अनअकैडमी पे, अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी स्टैनो उस कोड एग्जाम्स की तैयारी करें। देखिए बैच होता क्या है कि जैसे आप एक पर्सनल गाइडेंस बैच लेते हैं तो आप उसमें बढ़िया से जो है सफलता बैच ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। और साथ के साथ स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ने के लिए एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन होना चाहिए आपका, है ना। आप अन अकेडमी पे SSC गोल सेलेक्ट करें, लाइव अमन कोड यूज करें, जिससे आपकी फीस जो है कम हो जाए, जो आपको अच्छा तरीके से करना है। बाकी आप अन अकेडमी पे रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन यूज कर सकते हैं, रेज हैंड का ऑप्शन यूज कर सकते हैं, कॉम्बैक आप 24 अप्रैल का अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसके अलावा जो है आज डाउट हो गया, ठीक है, ये सब फीचर आप यूटिलाइज करिए। सब कुछ मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगा, है ना। जल्दी से आ जाओ, सारे के सारे जल्दी से आ जाओ, फिर स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री के सेशन को। स्टार्ट करें, मैं हिस्ट्री जहाँ इधर जो पढ़ा दूंगा वही क्वेश्चन आपको करने हैं सारे। रिवाइज करो, कुछ भी करो, लेकिन आपको इन क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है जो मैं आपको आज करा रहा हूँ, और सेम पॉलिटी के साथ है, सेम ज्योग्राफी के साथ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, बताइए। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम जो है इसकी स्थापना कैसे? वैसे श्री नारायण देख के आंसर लग रहा होगा ना कि क्या आंसर हो सकता है, इसके द्वारा इसकी स्थापना की गई होगी, जल्दी से बताइएगा, है ना। मैं टाइम पे भी आ गया हूँ और आपकी क्लास अब लगातार चलनी है, बढ़िया से एक बारी शेयर भी कर देना, बढ़िया से एक बारी शेयर भी कर देना। 7 बजे वाली क्लास होगी भाई, क्यों नहीं होगी, 7 बजे की क्लास तो रेगुलर क्लास है आपका, पूरा लूसेंट सीरीज चलेगा आज। आंसर है नारायण गुरु के द्वारा, ये नारायण देखा, इधर नारायण देखा, आंसर लगाया। चीट कोड यूज करते जाना, धीरे धीरे आपको चीट कोड का फायदा आपको दिखाई देने लग जाएगा। ऐसे ये क्वेश्चन देखो, समय राज सिंह, देखो अब जैसे ये जो लिखा हुआ है ये कहीं ना कहीं राजस्थान से ही संबंधित दिख रहा है ना, राजस्थान से ही संबंधित दिख रहा है, तो ये कहाँ के शासक थे, जल्दी से बताएंगे कहाँ के शासक थे, जल्दी से कमेंट करिएगा आंसर क्या इस क्वेश्चन का, ये कहाँ के शासक थे, अजमेर या फिर अंबर, अरे कहाँ के शासक, अजमेर के राजा जय सिंह। अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट भी करना आपको, जैसे आप समझ लो कि आज आप फाइनल हिस्ट्री के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, अगर आपने बहुत पढ़ाई कर ली है, और जिसने नहीं पढ़ाई करी है वो तो आप देख ही लो ना, नए क्वेश्चन समझ लो आपके लिए तो है ही नए क्वेश्चन, है ना। चलिए तो आंसर क्या है, बहुत सारे अपडेट आपको मिलेंगे, आंसर है इस क्वेश्चन का अंबर। एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, सब्सिडी अलायंस किसके द्वारा लाया गया था? मॉडर्न हिस्ट्री पूरी खत्म हो जाएगी, और मॉडर्न हिस्ट्री के साथ मैं आपका एंशियंट और मिडविल भी डाल रहा हूँ, पूरा एंशियंट और मिडविल भी डाल रहा हूँ, सो डैट की लिखा हुआ है कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री, लेकिन मैं एंशियंट मिडविल भी डाल रहा हूँ, सो डैट की आपका क्वेश्चन ना छूटे। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सब्सिडी लाइन्स, यही पे धोखा होता है, ठीक है। जैसे आप सोच के बैठे हो अजमेर अजमेर अजमेर, कॉमन है ना अजमेर, तो आप गलत कर देते हो ऐसे। जैसे सब्सिडी अलायंस किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, अब बच्चे डेलहाउज़ी बता रहे हैं, अब बच्चे डेलहाउज़ी बता रहे, बेटा डेलहाउज़ी बता रहे, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहाँ जाएगा, ठीक है, वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या कहेगा कि भाई मेरी स्थापना किसने करी थी, बताओ फिर। लॉर्ड वेलेस्ली आंसर, निगर का आंसर सही है, प्रकाश का भी आंसर सही है, जो रेगुलर बच्चा चल रहा है ना उसको बहुत आसान लग रही है जी के, ठीक है, जो रेगुलर चल रहा है। अगर आप आज पूरे दिन उठा लोगे ना क्लासेस, मैं आपको बता रहा हूँ आपको आज से ही जी के आसान लगेगी, एक बार पूरे दिन की क्लासेस सारे उठा लेना, इसके बाद का पॉलिटी, और उसके बाद शाम को 7 बजे पूरी लाइव क्लास देखना। आज सारी क्लासेस होगी यूट्यूब पे। इंग्लिश एजुकेशन मैग्ना कार्टा क्या होता है? मैग्ना कार्टा होता है कुछ समथिंग दैट इज वेरी न्यू बेस बेसिक फॉर, ठीक है, समथिंग इंग्लिश एजुकेशन का मैग्ना कार्टा, जो कुछ नया स्टार्ट किया, सबसे पहली बार जो हो। बताइए इंग्लिश एजुकेशन का मैग्ना कार्टा जो है किसे कहा जाता है?
अरे वर्नैकुलर प्रेस एक्ट तो नहीं होगा यार, वो तो प्रेस से संबंधित है ना। वो डिस्पैच हो गया, कमीशन हो गया, ये सारे जितने भी ऑप्शन में इसमें से आंसर क्या लगाएंगे आप। तो बच्चा आ जा रहा है ना बेटा, अब आप लगातार 2 घंटे पढ़ लो, 2 नहीं 3 घंटे 2.5 घंटे इतना पढ़ो। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ना इसी 3 घंटे के अंदर 10 नंबर पक्के करने हैं अगर आप पेपर देने वाले हो। वुड डिस्पैच इसका आंसर है, वुड डिस्पैच इसका आंसर। एक और क्वेश्चन देखिएगा, चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। देखो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट का थोड़ा क्वेश्चन को समझना, गलती मत करना। वर्नैकुलर एक्ट जो प्रेस एक्ट हुआ था उसको रिवाइज किसने किया था? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट रिवाइज द वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, यानी कि वर्नैकुलर प्रेस एक्ट जैसा ही था ठीक है, दोबारा लाया गया था। बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, खतरनाक है क्वेश्चन। इंडियन प्रेस एक्ट 1910 है, न्यूज पेपर एक्ट 1908 है, या फिर दोनों है? बताइए क्या आंसर होगा, बताइए। ओके डियर पंका ऑफ मंसर, अच्छा चलिए। तो आंसर है इस क्वेश्चन का, आंसर है इस क्वेश्चन का इंडियन प्रेस एक्ट 1910 इसका आंसर है। बस इतना ही याद रखो, एक ही प्रेस एक्ट था जो कि वर्नैकुलर प्रेस एक्ट जैसा ही था ठीक है। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट बहुत पहले आ गया था, 1910 में इसे रिवाइज किया गया कि यार ऐसा ही प्रेस एक्ट लाया गया जिसमें जो वर्नैकुलर लैंग्वेजेस है उनको कर्टेन किया गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इसमें से कौन सी बैटल, ये आपको क्वेश्चन दिलो दिमाग में बसा होना चाहिए कि कौन सी बैटल ने ये प्रूफ कर दिया कि ब्रिटिशर्स पावरफुल है ठीक है उस समय, ठीक है आज के समय हो ना हो, उस समय जो है ब्रिटिशर्स सोलो रूलर थे इंडिया के, ये किस बैटल ने प्रूफ किया था, बैटल कौन सी थी जिसने ये प्रूफ किया था। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कमेंट करिएगा, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी से सोल्व करिए। चलो जैसे अब ये क्वेश्चन है ना कि भाई कौन सी बैटल है जिसने प्रूफ किया था, अब इसमें ना बच्चे क्या करते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें बैटल ऑफ प्लासी दे ही नहीं रखा, दिक्कत ही खत्म। अगर बैटल ऑफ प्लासी दिया होता ना बच्चे तब होते हैं कंफ्यूज, ध्यान रखना बैटल ऑफ बक्सर इसका आंसर है ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर इसका आंसर है, क्वेश्चन आपको मिल सकता है ये ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, हिंदू कॉलेज कलकत्ता में स्थापित किया गया था, बिल्कुल सही बात, और इसकी स्थापना कौन से वर्ष में हुई। जैसे बेटा पीडीएफ 100% आ जाएगी, मैं कोई पीडीएफ मिस नहीं करता आपकी डालना, क्योंकि मेरे को पता है अब आपको रिवीजन की जरूरत पड़ेगी तो पीडीएफ आपको मिलेगी, लेकिन आप पूरी क्लासेस लो, इसके बाद पॉलिटी जरूर पढ़ना, छोड़ना मत, पॉलिटी का इतना बेस्ट कंटेंट है, मतलब हैंड पिक क्वेश्चन है जो आपको करने हैं ठीक है। आज हिस्ट्री के पॉलिटी के 7 बजे की क्लास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है, फुल मिसलेनियस। चलिए तो आंसर है 1817 इसका आंसर है, 1817 हिंदू कॉलेज कलकत्ता में 1817 में बनाया गया था। ईयर्स याद नहीं होते, ईयर्स को याद करने के लिए रिवाइज करना जरूरी है यार ठीक है, अंदाजा भी रखो रिवाइज भी करो ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखो, जैसे अब ये ब्रह्मो समाज की स्प्लिट कब किया गया था, यानी कि जैसे राजा रमोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना करी थी ना, उसके बाद उनकी मृत्यु के पश्चात ये स्प्लिट हो गया था, और कौन से वर्ष में स्प्लिट हुआ था ये पूछा गया, जल्दी से बताइएगा आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, कमेंट करिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। राजा रामोहन रॉय ने बनवाया था ना ब्रह्मो समाज, उसके अलावा 2 व्यक्ति और थे, बताइए कौन कौन से थे, एक टैगोर एक और है ना, तो दोनों के बीच में स्प्लिट हो गया था ब्रह्मो समाज, दोनों की आइडियोलॉजीज के बीच में। तो आंसर क्या है, ये स्प्लिट कब हुआ, 1866 में हुआ था, 1866 में ये स्प्लिट हुआ था। मुश्किल क्वेश्चन है, मुश्किल है क्वेश्चन, लेकिन चलो ट्राई मार रहे हैं आपको क्वेश्चन सारे, बहुत सारे नए क्वेश्चन आपको आज मिल जाएंगे, सीख लो अच्छी बात है, यहाँ सीखोगे तो फायदा ही होगा है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, भाई सिंपल सा है ना, ये तो आसान आसान क्वेश्चन है, 30, 31, 32 ऐसे है क्या, बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ, सिंपल सा बन रहा है, 30, 31, 32 है ना, तो आंसर क्या होगा 30, 31, 32, तो आंसर क्या होगा 30 होगा, क्योंकि ऐसा है ना 30 में उसके बाद जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसमें महात्मा गांधी जी आए थे ठीक है, तो ये तो ऐसे याद हो गया होगा 1930, 1931, 1932 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की ईयर। सी रूट डायरेक्ट जो है इंडिया के लिए किसने डिस्कवर किया था, बताइए, सब जानते होंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या, बेटा पार्टिसिपेट करना फुल आज, ये क्वेश्चन सारे काम के हैं, आप समझ लो हैंड पिक क्वेश्चंस की आज फुल रिवीजन है, नए क्वेश्चंस की आज फुल रिवीजन है, जो 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 क्वेश्चन सॉरी नए हैं उसको भी आप पढ़ सकते हो जो काम के हैं
मैंने आपके लिए डाले हैं ये क्वेश्चन। चलो तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का, ये पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। पुर्तगालियों में भी कौन, वास्को डिगामा के द्वारा सी रूट टू इंडिया 1498 में। ठीक है बताइए, देखिए मुस्लिम समुदाय में जो सुधार लाने की शुरुआत थी, इनिशिएट किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, रिफॉर्म्स इनिशिएट। जैसे ब्रह्मो समाज में राजा रमन रॉय ने हिंदू समाज में सबसे पहले शुरुआत करी थी ना, वैसे ही जो है मुस्लिम समाज में किसने शुरुआत करी थी, कमेंट करिए। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है आपको मिलते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पेपर में मिलेंगे डायरेक्ट। चलिए आंसर है मोहम्मद इकबाल। आपको क्या कहेगा सर, नहीं सईद अहमद खान लगाइए आप आंसर, ठीक है सईद अहमद खान लगाइए। बेटा सईद अहमद खान जो है बाद में आए थे, मोहम्मद इकबाल ने पहले शुरुआत करी थी इसकी, ठीक है। सईद अहमद खान लगाते हैं बच्चे आंसर, लेकिन ये गलत हो जाता है, ठीक है मत लगाना। हालांकि इन्होंने बहुत रिफॉर्म किए थे, लेकिन पहले नहीं है ना बताइए। जैसे 1857 की रिवोल्ट में सभी ने भाग लिया अलग अलग प्रांतों से अलग अलग जगह से, तो कह रहे भाई बेरोट से यूपी जो है, ठीक है बेरोट जो यूपी में है वहां से कौन से लीडर आए थे, बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन, ठीक है बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, यूपी बेरोट से कौन से लीडर थे। अटेम्प मारो क्वेश्चन, मैं आप पर टेस्ट भी कराऊंगा आज, आज टेस्ट होगा, जब मैं आपको तीन मेजर क्लास करा दूंगा ना, जब मैं तीन मेजर क्लास करा दूंगा, ये 3 बजे वाली, उसके बाद इसके जस्ट बाद पॉलिटी की क्लास, और फिर 7 बजे वाली, ये तीन क्लास कराने के बाद मैं एक मेजर टेस्ट लूंगा, आप देखना आप कैसे उसमें स्कोर उठाते हो, अपने आप आपको समझ आएगा कि तीन मेजर क्लासेस लेने के बाद आपका स्कोर कितना बन रहा है। और कोई भी क्वेश्चन इस क्लास से नहीं होगा, सारे क्वेश्चन अलग होंगे, लेकिन आप अटेम्प्ट मार पाओगे, देख लेना आप खुद ही। चलो तो आंसर इस क्वेश्चन का शाहमल इसका आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, अरे देखो फ्रांसिसियो ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे अटेम्प्ट करी, जल्दी से बताइएगा। अब ये होता है कि ये वाला क्वेश्चन मुश्किल हो जाते हैं, ब्रिटिशर्स ने कहाँ पे करी अपनी फैक्ट्री, पुर्तगालियों ने कहाँ पे लगाई अपनी फैक्ट्री, ये क्वेश्चन है ना मुश्किल होते हैं, बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, सूरत है आंसर या फिर मुस्लिपट्टनम, अटेम्प्ट करो बताओ आंसर क्या इस क्वेश्चन का, सूरत है या मुस्लिपट्टनम इसका आंसर है ना, आंसर क्या इस क्वेश्चन का। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर सूरत है। ध्यान रखना ब्रिटिशर्स और फ्रेंच दोनों का आंसर सूरत ही होगा, ठीक है दोनों का आंसर क्या होगा, सूरत ही होगा, दोनों का आंसर सूरत है, क्वेश्चन आपको मिल सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा है ना, चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर, नहीं बेटा थोड़ी सी कृपा करें हम पे मिस बफरिंग, ध्यान सरस्वती का ओरिजिनल नाम क्या था, जल्दी से बताइएगा, बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का। दयानंद सरस्वती बड़ा फेमस नाम था, दयानंद सरस्वती नाम बड़ा प्रसिद्ध है, तो इसमें से आंसर क्या हो सकता है, जो दयानंद सरस्वती का असली नाम था, ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, पता है कृपा हम पे ना करें, कृपा बच्चों पे करें, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आपका बहुत तगड़े वाला नुकसान है, अगर आपका पेपर है 2 से 3 दिन में, ये कंटेंट आपको रिवाइज करना है, सारा क्वेश्चन पेपर टाइप है ना, ये कंटेंट रिवाइज करना जरूरी है, इसलिए कह रहा हूँ तीन क्लासेस पढ़ो अभी, इसके जस्ट बाद पॉलिटी और 7 बजे की क्लास, और फिर एक अटेम्प्ट पेपर देखो, स्कोर अपना देख लेना, चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। मूल शंकरा इसका आंसर है, आंसर इस क्वेश्चन का ये है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बताइए, हैदर अली अटैक द ब्रिटिशर्स, व्हेन डिड हैदर अली अटैक द ब्रिटिशर्स, देखो 4 वॉर हुई हैं, एंग्लो मैसूर वॉर 4 हुई हैं, 4 में से 2 में हैदर अली और 2 में टीपू सुल्तान रहे हैं, तो उसका अंदाजा लगा के आंसर लगाओ, बताइए आंसर क्या है। चलिए तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का, 17 हर एक पीडीएफ में आपके 150 क्वेश्चन है, सारी पीडीएफ दूंगा, अगर 100 क्वेश्चन भी होते हैं तब भी काफ़ी है, 50 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस, 50 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस, आराम से आपको प्रैक्टिस करनी है सारी, लेकिन आज नहीं कल करनी है प्रैक्टिस, कल करनी है, आज आपको वीडियोस देख लेनी है, उसको ग्रैब कर लेना चीज़ों को, एक पेपर दे देना अपने आप, कल प्रैक्टिस में आपको स्कोर और मिलेगा, ठीक है। चलिए आंसर क्या इस क्वेश्चन का ये है, नारायण गुरु का जन्म कहाँ पे हुआ था, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर में। चलिए तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का, नारायण गुरु का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था, इस क्वेश्चन का आंसर के कमेंट करिए, इस क्वेश्चन का आंसर के वेयर, आंसर क्या इस क्वेश्चन का। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि जो नारायण गुरु जी थे उनका जन्म केरला में हुआ था, क्योंकि ना इनका
क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है नारायण गुरु का, वो मिल ही जाता है कहीं ना कहीं, आया हुआ क्वेश्चन है। चलो तो आंसर केरला है, आने के चांसेस है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, कांग्रेस स्प्लिट कब हुई थी? ये स्प्लिट आता ही होगा आपको, सूरत स्प्लिट कहते हैं इसे, क्या बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का। सूरत स्प्लिट कहते हैं इसे, जल्दी से बताइएगा आंसर क्या इस क्वेश्चन का, कमेंट करो बताओ आंसर क्या है, सूरत स्प्लिट कहते हैं इसे। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर है सूरत स्प्लिट 1906, ठीक है, सूरत स्प्लिट 1906 इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी एंड एक्ट इज एसोसिएटेड विद सिडिशन एक्ट? इसमें से कौन सा सिडी, देखो सिडिशन एक्ट आप समझ रहे होंगे कि कौन सा सिडिशन एक्ट हो सकता है, ठीक है। इस एक्ट को ब्लैक एक्ट भी बोला जाता था क्या, बताइए इस एक्ट को क्या ब्लैक एक्ट भी बोला जाता था क्या, बताइए क्या इस एक्ट को ब्लैक एक्ट भी बोला जाता था, खुद बताइए। आदित्य मैं थोड़ा बहुत ही तो बताता हूँ यार, पूरा थोड़ी बता देता हूँ आपको। चलो तो आंसर क्या इस क्वेश्चन, रोलेट एक्ट है, रोलेट कमेटी जो आई थी रोलेट एक्ट से संबंधित, आपको पता ही है, जिसे ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है, डेफिनेटली ये सिडिशन एक्ट था, ठीक है एक तरीके से। और ये ऐसा एक्ट था जिसमें विदाउट ट्रायल लोगों को जो है, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी उनको जेल में डाला गया है ना, तो इसलिए इसे सिडिशन एक्ट कहते थे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, है ना, देखो आप क्वेश्चन को समझो पूरा। महात्मा गांधी जी ने विच ऑफ द फॉलोइंग, महात्मा गांधी टू विड्रॉ नेशन कॉरपोरेशन मूवमेंट, अब इसमें यार कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा सही, ठीक है ये क्वेश्चन नहीं करना है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ट्रिटी ऑफ लाहौर ये कौन से वर्ष में हुई थी, बताइए ट्रिटी ऑफ लाहौर कौन से वर्ष में हुई थी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। बताइए ट्रिटी ऑफ लाहौर कौन से वर्ष में हुई थी, ये बड़ी फेमस ट्रिटी है, ट्रिटी ऑफ सालाबाई, ट्रिटी ऑफ सिंगमपट्टनम, ट्रिटी ऑफ लाहौर, ठीक है ये ट्रिटी ऑफ मद्रास, ट्रिटी ऑफ मराठास, ये सब आपने सुना होगा, मद्रास का सॉरी, है ना। आंसर क्या इस क्वेश्चन का, 1846, 1836, बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का। पार्टिसिपेट करो यार, जो भी बच्चा आ गए हैं, डेडिकेटेड कंटेंट है, पढ़ लोगे ना आज तो आपको हैंड पिक क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में कि यार हाँ सच में जो है 25 में से 20 प्लस क्वेश्चन आ गए डायरेक्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन आना बहुत अच्छी बात होती है आपके पेपर में, स्कोर बढ़ जाए एकदम से, बस रिटेन करना आना चाहिए आपको। 1846 एडी इसका आंसर है, प्रैक्टिस कर लो। लेकिन ये बताइए, हाँ जी बताइए, व्हेन वाज नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी जी, ये क्वेश्चन आसान है यार, महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट किया था, क्या रोलेट एक्ट हुआ था उसके बाद स्टार्ट किया था, या जलियांवाला मैसेकर हुआ था उसके बाद स्टार्ट किया था, बताइए कब स्टार्ट किया था, बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिएगा। रोलेट एक्ट आने पे या फिर जलियांवाला बाग मैसेकर होने पे, क्या आंसर, कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, कंफ्यूजिंग बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत कंफ्यूजिंग। चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों जलियांवाला बाग, जब रोलेट एक्ट था तब कुछ नहीं हुआ, उसके जस्ट बाद जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, उसी के बाद ही हुआ था ये, लेकिन जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को शुरू किया गया, और फिर चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद इसे बंद किया गया, ये बहुत बेसिक सी चीज है, इसके बाद शुरू किया गया और इसके बाद बंद किया गया, दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज गिवन गांधी स्कीम ऑफ 1940, इनमें से किसने जो है गांधी स्कीम दी थी 1944 की, पता है मुश्किल नया क्वेश्चन है ये भी, है ना। चलिए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, कमेंट करिए आंसर क्या। अब जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे डीडी धार इसमें दे रखा है, एसएन अग्रवाल दे रखा है, थोड़े कंफ्यूजिंग को आप ऑप्शन जो है ना मिलते हैं, जब आप ऐसे छोटे छोटे लेवल नाइनर क्वेश्चन देखते हो, फैक्ट आपको रिवाइज कर लेनी चाहिए। एसएन अग्रवाल इसका आंसर है, एसएन अग्रवाल ने गांधी स्कीम दी थी 1944, बताइए पहला सेशन आईएनसी का कहां पे हुआ था, 1885 में पहला सेशन आईएनसी का कहां पे हुआ था, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिए, है ना। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बॉम्बे, मद्रास, बॉम्बे के आंसर,
बॉम्बे इज द आंसर 1885 है ना 1885 बॉम्बे इसका आंसर है 72 डेलीगेट्स आए थे इसमें एओएम इसके सेक्रेटरी जनरल थे और बीसी जो है न्यूसी बनर्जी जो है ये इसके जो है प्रेसिडेंट थे पहली मीटिंग की। ये टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट पॉलिटी की क्लास का डायरेक्ट लिंक मिलेगा और 7 बजे वाली क्लास का डायरेक्ट लिंक मिलेगा। दो क्लासेस मत छोड़ना कभी भी। आप समझ लो रिवीजन सिर्फ एक क्लास से नहीं हो सकती जीके की, बैक टू बैक 3-4 सेशन कर लोगे तो फायदा ज्यादा होगा। ज्यादा क्या होगा ही, फायदा तभी होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वाज नॉट फाउंडेड बाय महात्मा गांधी, इसमें महात्मा गांधी जी ने क्या नहीं बनाया था, क्वेश्चन मुश्किल है। कारण क्या है कि आपके ऑप्शन जो है थोड़े बहुत अजीब है, नहीं सुने हैं आपने कुछ ऑप्शन। कुछ ऑप्शन नहीं सुने हैं तो उस हिसाब से आपको दिक्कत हो रही होगी कि भाई महात्मा गांधी इसने क्या बनाया नहीं था, ठीक है। सेवा ग्राम आश्रम, विश्व भारती वनिक्स आश्रम, साबरमती आश्रम तो ऑब्वियसली बनाया था, ठीक है। तो इसमें से विश्व भारती आश्रम महात्मा गांधी जी ने नहीं बनाया था, बाकी ये और ये तीनों के तीनों महात्मा गांधी जी के द्वारा बनाए गए, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए 654 बेटा, रेगुलर आओ 7 बजे रेगुलर क्लास चलती है भाई, फिर शुरू आ सकते हो 7 PM पे। अरे देखो कास्ट वन रिलीजन वन गॉड, ये कंसेप्ट किसने दिया था, अभी लेटेस्ट में एक पेपर था उसमें ये जो है पेपर में आया था, नारायण गुरु के द्वारा कंसेप्ट दिया गया था। वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड का कंसेप्ट किसने दिया था, नारायण गुरु के द्वारा दिया गया था, ठीक है। चलो तो एक और क्वेश्चन देखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन से मूवमेंट में लीडर थे, जल्दी से बताइए। अटेम्प्ट करो, मैक्सिमम अटेम्प्ट होने चाहिए आपके। आप एक पूरी रिवीजन मारने के लिए इसके बाद पॉलिटी की क्लास जरूर देखना, वो क्वेश्चन है जो हैंड पिक क्वेश्चन हो सकते हैं आपके पेपर में डायरेक्ट, ठीक है, रिवाइज कर लेना सारे के सारे। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन सी लीडर के मूवमेंट के लीडर थे, जल्दी से बताइए, कमेंट करिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों, चलो तो इस क्वेश्चन जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर है बरदोली सत्याग्रह, ठीक है, बरदोली सत्याग्रह। अब इसमें क्या है कि यार बाकी मूवमेंट में नहीं है, ठीक है, बाकी मूवमेंट तो बिल्कुल ही अलग है, बरदोली सत्याग्रह एक सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित रहा, ठीक है, बरदोली सत्याग्रह एक संबंधित रहा, बाकी तो कुछ रहे नहीं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, और ये उसी टाइम हुआ था जब कह सकते हैं कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी, उसी के जस्ट बाद, उसी के आसपास बरदोली सत्याग्रह हुआ था 1828 के आसपास कुछ, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, जब रिवोल्ट 1857 हुआ उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, और यही व्यक्ति बाद में जाके वाइसरॉय ऑफ इंडिया, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया बने, बताइए आंसर क्या है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। जैसे अब ये है कि भाई कौन बने, तो लॉर्ड कैनिंग एक ऑप्शन में दे रहा, अब गवर्नर जनरल ये थे 1857 में, और जब ये रिवोल्ट हो गया उसके बाद वाइसरॉय बने थे, वो भी लॉर्ड कैनिंग ही बने थे, तो ये फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया भी है। बताइए शेर ए पंजाब किसे फेमस व्यक्ति है, जिन्हें शेर ए पंजाब कहा जाता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, शेर ए पंजाब किसे कहा जाता है। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, शेर ए पंजाब किसे कहा जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों लाला लाजपत राय। अब होता क्या है यहाँ पे, हम भगत सिंह आंसर लगा देते हैं, ठीक है, भगत सिंह आंसर लगा देते हैं, यहाँ पे गलती ये है हमारी, ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन भगत सिंह आंसर लगाने वाले बच्चे बहुत होंगे यहाँ पे, बी आंसर लगाने वाले बच्चे बहुत हैं इस क्वेश्चन का, ये गलती है, आसान क्वेश्चन की सबसे बड़ी गलती, ठीक है। बताइए लोकनायक किसे कहते हैं, बताइए हम लोकनायक किसे कहते हैं, जल्दी से बताइए, बेटा इस क्लास के खत्म होते तुरंत मैं पॉलिटी का लिंक आपके टेलीग्राम पे पहुंचा दूंगा, स्टूडेंट की आपको लाइव आने का बिल्कुल समय ना लगे, टाइम ना लगे, वेस्ट ना हो टाइम जरा भी, क्योंकि दो क्लासेस लेनी है, फिर थोड़ा सा गैप दूंगा, फिर आपको 7 बजे क्लास होके पेपर होगा, फिर आपका आज जीके, आज सब कुछ छोड़ के जीके को एक बार स्ट्रॉन्ग कर लो आज, अगर आपका पेपर है ना लेटेस्ट में, तो जीके को आज रिवाइज कर लो पूरा, ठीक है, आज का दिन जीके के नाम। जय प्रकाश नारायण इसका आंसर है, एक और क्वेश्चन देखिएगा,
है ना, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन पीपल, यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन का नहीं दे रखा है, इंडियन पीपल का दे रखा है। क्राउन रूल आया था 1858 में, क्राउन रूल आया था 1858 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। क्या वो मैग्ना कार्टा इंडियन पीपल, अगर मैग्ना कार्टा इंडियन पीपल कह रहे हैं, कहने का मतलब कि हमारे लोगों के लिए, भारतीयों के लिए। चलिए तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का, ठीक है, क्राउन रूल में। अब देखो जैसे ये है कि इधर लिखा हुआ है ऑप्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958, दूसरा ऑप्शन लिखा है क्यून विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन। अब इसमें डाउटफुल क्वेश्चन आ गए, इसका आंसर आप ए ना लगा के डी लगाएं, क्योंकि जो क्यून विक्टोरिया का जो प्रोक्लेमेशन था ना उसमें सारी चीजें लिखी थी, ठीक है, क्यून विक्टोरिया का जो प्रोक्लेमेशन था उसमें सारी चीजें लिखी थी कि हम अब आप भारतीयों के लिए क्या करने वाले, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का ध्यान रखना, मैग्ना कार्टा जो है अनाउंसमेंट जो है प्रोक्लेमेशन को कहेंगे, बस इतना ध्यान रखिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, हाँ जी, इसमें से कौन सब्सिडरी अलायंस के विक्टिम नहीं थे, आंसर क्या होगा, क्वेश्चन खतरनाक था पिछले वाला, बहुत डेंजरस क्वेश्चन, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, अच्छा लगता है कि यार हमें आता है क्वेश्चन, लेकिन ऑप्शन जब देखते हैं ना आंसर की देखते हैं बाद में, फिर सोचते हैं यार क्या कर दिया हमने। चलिए तो आंसर है इस क्वेश्चन का 17, ठीक है, 17 सब्सिडरी अलायंस से नहीं सताया गया था, समझ ध्यान में रखिए, फेमस है वैसे 17 ना। चलो तो एक और क्वेश्चन है, बड़े शेयर करो बढ़िया से एक बारी। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय एनी बेसेंट। अभी लेटेस्ट एक पेपर में एक क्वेश्चन आया था एनी बेसेंट का, कि कौन सी न्यूज़पेपर एनी बेसेंट के द्वारा शुरू की गई थी, बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, कौन सी न्यूज़पेपर एनी बेसेंट के द्वारा शुरू की गई थी। मैं ना आपको 5:30 बजे एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा आज आपके फायदे के लिए, टेलीग्राम पे 5:30 बजे एक बारी जरूर देखना, छोड़ना मत वीडियो को, बहुत काम आएगी आपको, 5 मिनट की वीडियो है, फ्री है पूरी वीडियो, 5 मिनट लगेंगे, 5:30 बजे एग्जैक्टली टाइम पे डाल दूंगा, जरूर देखना काम आएगी। चलिए तो आंसर है इस क्वेश्चन का न्यू इंडिया, यंग इंडिया किसकी, महात्मा गांधी जी की, इवन न्यू इंडिया के अलावा कॉमन व्हील भी है, कॉमन व्हील भी जो है इन्हीं की है, ठीक है ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1829 जो है किससे संबंधित है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या, ठीक है बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1829 जो है किससे संबंधित है इस क्वेश्चन का आंसर क्या, कमेंट करिए बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, है ना, कमेंट करिए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1829 किससे संबंधित। जैसे इसमें अबोलिशन ऑफ सती दे रखा है, सती प्रथा को खत्म किया गया था, सती प्रथा को खत्म किया गया था किसके तहत, इसी के तहत, ठीक है सती प्रथा को इसी के तहत खत्म किया गया था, क्वेश्चन आपको ये मिल सकता है, ठीक है ये आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि सती प्रथा को किसके तहत ही खत्म किया गया था। हु स्टार्टेड द इंग्लिश वीकली न्यू इंडिया, ये वही क्वेश्चन आ गया ना न्यू इंडिया का, ठीक है। अब जैसे न्यू इंडिया इंग्लिश वीकली किसके द्वारा, इधर क्या है आपने, इधर बहुत सारे बच्चे जो है ना कंफ्यूज है इस चीज को लेके, कि जो है सर इधर आपने एनी बेसेंट का न्यू इंडिया करा दिया, ठीक है, और इधर आप कह रहे हो कि इसमें भी न्यू इंडिया दे रखा है। बेटा ध्यान रखना इधर फर्क क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश वीकली, ठीक है इंग्लिश वीकली जो है ये किसके द्वारा, तो ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है, बाकी आपसे पूछा ज्यादातर जो है एनी बेसेंट वाला पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता ज्यादा, एनी बेसेंट वाला ज्यादा आपसे पूछा जाता है, अगर स्पेसिफिकली इंग्लिश वीकली लिखा होगा तब आप आंसर लगाएंगे, क्वेश्चन डिफिकल्ट है, ठीक है ध्यान रखिएगा, और ये क्वेश्चन तब और डिफिकल्ट हो जाएगा जब आपको एनी बेसेंट ऑप्शन में दे दिया जाएगा। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, चलिए देखिए यूरोपियन पावर वॉज लास्ट हू रीच इंडिया, ठीक है लास्ट में सबसे भारत में कौन से यूरोपियन पहुंचे थे, बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, ठीक है आंसर क्या इस क्वेश्चन का जल्दी से बताइएगा, लास्ट में कौन से यूरोपियन पहुंचे थे भारत, देखो अब इसका फंडा क्या है कि इसमें अब फ्रांस है ऑप्शन में, पुर्तगाली तो हो नहीं सकता, पुर्तगाली सबसे पहले पहुंचे थे,
है ना, पुर्तकाल के जो है सबसे पहले पूछे थे। हाँ तो बसता क्या है फिर, है ना, पुर्तगाल के सबसे पहले पहुंचे थे, तो बसता फ्रांस बसता है, फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए थे, फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं या तो फर्स्ट का या तो लास्ट का पूछेंगे। ऑल इंडिया जो हरिजन संघ है इसकी स्थापना महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में कौन से वर्ष में की गई थी। अच्छा क्वेश्चन बहुत ज्यादा है ना। चलिए बेटा जो भी क्लास में है ना, पॉलिटी की क्लास कोई मिस मत करना, एग्जैक्ट टाइम बता देता हूँ 4:15 और ये क्लास चलेगी तब तक, क्योंकि बहुत क्वेश्चन है यार रिवाइज कराने, हिस्ट्री ऐसे थोड़ी रिवाइज होगी। इसके बाद 4:15 पे वाईफाई स्टडी पे पॉलिटी का सेशन लगाए, हैंड पिक क्वेश्चन है, कर लोगे तो मैं बता रहा हूँ 7-8 कहीं नहीं गए आपके, 7-8 कहीं नहीं गए, छोड़ना मत क्लास को। आज रिविजन होगी तो होगी, कल नहीं हो पाएगी। 1932 इसका आंसर है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, जल्दी से बताइए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। और इस सेम मैं करंट अफेयर का रिवीजन कल वर्ल्ड अफेयर में डाल दूंगा पूरा, कल वर्ल्ड अफेयर की वीडियो मत छोड़ना, बहुत काम की वीडियो होगी वर्ल्ड अफेयर की कल, जिसने आज तक नहीं पढ़ी वो कल पढ़ लेना। ऑलकॉट के द्वारा यूएसए में इसकी शुरुआत की गई, वैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी को ना इंडिया में भी लाया गया था, वो एनी बेसेंट के द्वारा लाया गया था बाद में, ठीक है, इंडिया में एनी बेसेंट ने उसे कंटिन्यू किया था। चल चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है। एक और क्वेश्चन देखिए, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, अब आ गया ना वो क्वेश्चन जो आपका है, आराम से क्वेश्चन सोल्व होगा, ये आराम से क्वेश्चन सोल्व होगा, जल्दी से बताइए। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जैसे न्यू इंडिया भी लिख दिया, कॉमनवेल्थ भी लिख दिया, आप तो क्लियर हो गया क्वेश्चन आंसर क्या होगा, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ दोनों लिख दिए, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों एनी बेसेंट, है ना, ये तो अब आसान हो गया क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर एनी बेसेंट है। बताइए डू और डाई महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट में डाला गया था, जब 1935 के इलेक्शन हुए थे ना, कांग्रेस सिर्फ 2 पे अपनी पार्टी नहीं बना पाया था, ठीक है, 11 में से सिर्फ 2 ऐसे प्रोविंस थे जहां पे कांग्रेस मिनिस्ट्री नहीं बन पाई, नॉन कांग्रेस मिनिस्ट्री बनी थी, कौन सी 2 थी, जल्दी से बताइए कौन सी 2 थी। चलो अटेम्प्ट करो, बताओ आंसर क्या इस क्वेश्चन का, कौन सी 2 थी जहां पे नॉन कांग्रेस मिनिस्ट्री बनी थी, बंगाल है, पंजाब है, बताइए। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, यह क्वेश्चन ही है, आसानी है, देखो ये 2 जो लोकेशन है यहीं पे तो विभाजन हुआ था, क्योंकि यहाँ पे नॉन कांग्रेस मिनिस्ट्री बनी थी, विभाजन तो होने के चांसेस थे यहाँ से, है ना, वही हुआ था। बरदौली सत्याग्रह के लीडर कौन, अभी हमने इसको क्वेश्चन को किया है, घुमा फिरा के आपसे पूछा गया, अब आप बता सकते हो आंसर, यही होता है, मैं आपको कह रहा हूँ ना कि मैं आपको अभी पढ़ा दूंगा, उसके बाद पेपर करके देखना, मैं ही करा दूंगा पेपर आपको वाईफाई स्टडी पे आज, ठीक है, बस 7 की क्लास और पॉलिटी की क्लास जरूर देखना, उसके बाद पेपर करेंगे, क्योंकि 7 मैंने करंट अफेयर भी मिक्स किया है, कि मैं करंट अफेयर भी एक बार याद करवा दूंगा, जिससे आपकी रिवीजन स्ट्रांग हो जाएगी, फिर पेपर करने में मज़ा भी आएगा आपको, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन घुमा फिर आगे पूछेंगे, अब पूछा है, अब आपको आता होगा आंसर, सरदार वल्लभ भाई पटेल है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर को कब लॉन्च किया गया भारत में, बताइए प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब लॉन्च किया गया था, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, बताइए प्रोजेक्ट टाइगर को भारत में कब लॉन्च किया गया था। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि भाई जो प्रोजेक्ट टाइगर है ना उसे भारत में लॉन्च किया गया था, ठीक है, 1973 में। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है,
सरदार क्यों बोलते हैं, ये सरदार नाम बरदोली मूवमेंट के समय में महिलाओं ने इन्हें दिया था, ये इनकी लीडरशिप की वजह से। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। पंजाब में ब्रिटिशर्स ने क्या उगाने के लिए जो है किसानों को मजबूर किया था, बताइए। वही सवाल है कि पंजाब में ब्रिटिशर्स ने किसानों को क्या उगाने के लिए मजबूर किया था, बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का। वैसे कभी भी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन होती है मैं आपको बता ही देता हूँ, लेकिन मैंने आपको अभी कह दिया कि मैं टेलीग्राम पे 5:30 बजे एग्जैक्टली एक वीडियो शेयर करूंगा। ठीक है, अन अकेडमी पे आपके बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी के लिए 5:30 बजे जरूर देख लेना, काम आएगी आपके। ठीक है, जरूर देख लेना। चलिए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, 5 मिनट का वीडियो होगा, हार्डली 5 मिनट का, देखना सारे। क्यून विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन कब आया था, जल्दी से बताइए, आसान क्वेश्चन है ना, वही है 1858 ही तो है, वही 1858 मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन पीपल, वही चीज होगी। अब जैसे मैंने आपको एक बार ही क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन का एक क्वेश्चन करा दिया ना, मैं आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछूंगा आप लकाल दोगे क्वेश्चन, ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, बताइएगा ब्रह्मो समाज से कौन संबंधित नहीं थे, मैंने कहा था 3 व्यक्ति संबंधित थे, अब 3 में से 3 के नाम दे रखे हैं, एक नाम एक्स्ट्रा है, अब बताइए आंसर क्या होगा। आपको अपने एग्जाम को सोल्व करने के लिए अपनी जो प्रायर इन्फॉर्मेशन है उसको यूज करना है, पहले मैंने कुछ पढ़ा दिया तो वो आपको आना चाहिए, वो रिटेन करना है आपको। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, वही चीज है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, आत्मराम पांडुरंग है, बाकी तीनों जो है ये सदस्य थे। ठीक है, चलो जैसे केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन रॉय, ये सब सदस्य थे, आत्मराम पांडुरंग जो है सदस्य नहीं थे। ठीक है, सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट के समय में लीडर कौन थे, गवर्नर जनरल, यानी कि चलो गवर्नर जनरल कौन थे, ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन हो गया। आंसर क्या है इस क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बताओ आंसर क्या है, लॉर्ड इरविन इसका आंसर है। आपको ये कहेगा सर रट्टा मारेंगे क्या इसका, नहीं मारना, मैं कैसे इस चीज को समझा देता हूं। सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट जो है ये कब का है, तब का है ना जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय में कौन पैक्ट बनाए थे महात्मा गांधी जी के साथ, इरविन, गांधी इरविन पैक्ट, सुना होगा आपने, बस वही से याद आ गया, फर्स्ट वॉइस ऑफ इंडिया। ठीक है, आसान है क्वेश्चन, लॉर्ड कैनिन अभी एक चीज सिखाई, दूसरी चीज अपने आप आ गई कि हाँ लॉर्ड कैनिन है, क्योंकि लास्ट गवर्नर जनरल थे। फर्स्ट जनरल इलेक्शन इंडिपेंडेंट इंडिया के कब हुए थे, भारत में, आजाद भारत के सबसे पहले इलेक्शन चुनाव, बताइए कब हुए थे, कमेंट करिए आजाद भारत के सबसे पहले चुनाव कब हुए थे, अटेम्प्ट करो, बताओ आंसर क्या इस क्वेश्चन का। जो नेक्स्ट क्लास लिखी होगी ना उसमें लिखा होगा इंडियन पॉलिटी क्विक रिवीजन, इंडियन पॉलिटी क्विक रिवीजन लिखा होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं नाम भी बता दियो, लेकिन टेलीग्राम पे लिंक भी भेजूंगा मैं आपको, इंडियन पॉलिटी क्विक रिवीजन का पूरा रिवीजन होगा, क्विकली कराऊंगा पूरे क्वेश्चन, जल्दी जल्दी शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, आप देखोगे आपको अपने आप माइंड में आएगा यार हाँ हमें चीजें रिवाइज होगी। चलो तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का, 1951 में हुआ था। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, कमेंट करेगा, हाँ जी, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में कितने सदस्य हैं, तो कितने देश हैं, आंसर इस क्वेश्चन का 118। चलो तो एक और क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन नहीं करना, बताइए महात्मा गांधी जी के साथ सत्याग्रह मूवमेंट जो था ना, सोल सत्याग्रह मूवमेंट, उसमें कितने सदस्य वॉलंटियर थे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या देगा, और महात्मा गांधी जी के साथ कितने सदस्य थे सोल सत्याग्रह में, 24 थे, और ये क्वेश्चन फैक्चुअली इतना इंपॉर्टेंट है ना, 24 वाला ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्प्लिट कब हुआ, अभी एक क्वेश्चन कराया उसके हिसाब से आंसर लगा दो। ठीक है, बताइए 70, अच्छा दिन बोला है, दिन भी तो समझ गए होंगे आप। ठीक है, दिन के लिए ना 24 फैक्ट तो बताना चाहिए, 78 लोग थे,
सूरज प्लेट हुआ था, मैंने अभी आपको समझाया था सूरज प्लेट, आप लगा सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर। गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी बताइए, गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बताइए, गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई, चलो तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का, गदर पार्टी की स्थापना किसने करी थी। अब इसमें आपको लाला हरदयाल नहीं दे रखा, ठीक है डियर, जो आपको प्लेलिस्ट है ना, आप समझ लो कि आप 7 बजे वाली क्लास में जरूर आना, आपको उसकी प्लेलिस्ट में दिलवा दूंगा, सारे क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे, ठीक है। मैं आपको टेलीग्राम पे जो जो लिंक दे रहा हूँ देखते जाओ, आज ही रिवीजन कर लो, आज ही की क्लास प्लेलिस्ट समझो, ठीक है। चलिए तो आंसर है सोन सिंह बखाना, लाला हरदयाल नहीं दे रखा, लेकिन सोन सिंह बखाना भी जो है फाउंडर थे, ठीक। क्वेश्चन आपको ये मिल सकता है, अच्छा क्वेश्चन था ये। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है कब हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था, देखो यार फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था, तो आंसर क्या है दोस्तों, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर है इस क्वेश्चन का 1789 में हुआ था। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए बताइए, कैबिनेट मिशन कब आया था, कैबिनेट मिशन कब आया था, यही आया था जिसके बाद असेंबली एंड ऑल स्टार्ट, तो 1946 में आया था, बिल्कुल डियर, नाम चेंज करके आना अपना, क्योंकि आपका नाम ऐसा है ना कि आप ला सकते हो, ठीक है, बच्चों के लिए नुकसानदायक चीज़ें नहीं, बफरिंग मत लाना, मिस बफरिंग। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, आंसर क्या इस क्वेश्चन का बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1813, जब 1813 आया तो उस समय, चार्टर एक्ट 1813 आया तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे बंगाल के, जल्दी से बताइए, हु वाज द गवर्नर जनरल एट दैट टाइम, बताइए हु वाज द गवर्नर जनरल एट दैट टाइम, चलो गवर्नर जनरल कौन थे, आंसर है लॉर्ड मिंटो फर्स्ट है इसका आंसर, ठीक है, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, बताइए हु ऑर्गेनाइज द इंडियन नेशनल आर्मी, बताइए आंसर INA, ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, बच्चे क्या करते हैं, अभी आपके सामने दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक और ऑप्शन और दे देते हैं ना तो काम ही खराब हो जाता है, अभी ऑप्शन दे नहीं रखा वो, मोहन सिंह ऑप्शन में नहीं है, लेकिन चलो फिर तो आसान है, मोहन सिंह ऑप्शन में दिया होता तब दिक्कत हो जाती है, अभी लिखा हो सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल सही आंसर है, मोहन सिंह ऑप्शन में देते तो क्वेश्चन खतरनाक हो जाता, लेकिन हमें चीजों को आसान बनाने की कोशिश करनी है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो है कौन से वर्ष में हुआ था, जल्दी से बताइए, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कौन से वर्ष में हुआ था बताइए आंसर क्या, अच्छा कौन कौन पॉलिटी की क्लास में आने वाला है, अभी 4-15 पे जो क्वालिटी की क्लास लगाई है स्पेशली हैंडपिक क्वेश्चन की, उसमें कौन कौन जुड़ रहा है, एनर्जी लगती है ऐसे काम करने में कि बैक टू बैक क्लास ले रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ फायदा बहुत है, एक बार कमेंट बॉक्स पे यस लिखना, 4-15 पे एग्जैक्टली इस क्लास में कौन कौन होगा जो इंडियन पॉलिटी की क्लास स्टार्ट होने वाली वाईफाई स्टडी पे, हिस्ट्री के बाद पॉलिटी जरूरी है, दो सब्जेक्ट तो ऐसे है ना कि मतलब ये कॉम्बिनेशन बहुत तगड़ा है, इसको पढ़ लो एक बार सारे। 1909 इसका आंसर है, पहला एंग्लो सिख वॉर कौन से वर्ष में हुआ था, जल्दी से बताएगा, ट्रीटी ऑफ लाहौर से संबंधित है कहीं ना कहीं, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, बहुत सारे बच्चे गैस कह रहे हैं, और जो नहीं कह रहे हैं बेटा कोशिश करो आज पढ़ लो, आज जीके को दे दो टाइम, समझ लो 20+ ला दूंगा आपके, जीके को अपना अगर आपने आज टाइम दे दिया तो। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है 1846 AD है, लाहौर सेशन से कहीं, लाहौर ट्रीटी से कहीं ना कहीं संबंधित। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, गांधी, अब वही चीज है ना, गांधी इरविन पैक मैंने कहा था सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट से संबंधित है, उसी ईयर के समय में हुआ है, तो बताओ आंसर क्या इस क्वेश्चन का, कमेंट करो बताओ आंसर क्या इस क्वेश्चन का, आंसर क्या, गांधी इरविन पैक कब हुआ था,
चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 1931 में, 1931 में, 1931 में हुआ था। एक और क्वेश्चन देखते हैं, चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। अब ये ड्राफ्टिंग कमेटी जो है, जिसने ड्राफ्ट बनाया उसके हेड तो बी आर अम्बेडकर थे ही, है ना, उसके हेड तो बी आर अम्बेडकर थे ही। बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, बी आर अम्बेडकर इसका आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी आर अम्बेडकर इसका आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बी आर अम्बेडकर है। चलो एक और क्वेश्चन देखिए, सत्याग्रह प्रकाश, अच्छा ये थोड़ा अलग क्वेश्चन, सत्याग्रह प्रकाश जो है इसके ऑथर कौन, कमेंट करें किताब के ऑथर कौन है सत्याग्रह प्रकाश के, बताइए सत्याग्रह प्रकाश के ऑथर कौन, जल्दी से बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन, सत्याग्रह प्रकाश के ऑथर कौन, बेटा एग्जाम कोई भी हो आप प्रैक्टिस कर लो ना ये सब क्वेश्चन, तो आपके एग्जाम कोई भी हो कितना ही मुश्किल होगा किसी एग्जाम में, कितना ही आसान होगा किसी एग्जाम में, तब एवरेज रेटअप हो जाता है एक साथ। दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई थी सत्याग्रह प्रकाश, ठीक है ध्यान रखना, दयानंद सरस्वती के द्वारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। डच ने, जैसे मैंने आपको फ्रांसीसी को बताया कि भाई फ्रांसीसी ने पहली फैक्ट्री अपनी बनाई सूरत में, अब कह रहा है डच जो है उनके द्वारा अपनी पहली जो है कहां पे बनाई गई थी फैक्ट्री, जल्दी से बताएंगे। बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, हेलो मोनी हमिद हमिद सॉरी। चलिए तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का, फर्स्ट फैक्ट्री डच के द्वारा, मसूलीपट्टनम, बता रहे बच्चे आंसर इस क्वेश्चन का। चलो तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का, मसूलीपट्टनम है। एक्यूरेसी जितनी बढ़ा लो उतनी बढ़िया, और प्रैक्टिस से एक्यूरेसी बढ़ती है, और कुछ बड़े ना बड़े एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, प्रैक्टिस से एक्यूरेसी बहुत बढ़ती है, उस पर फोकस होना चाहिए आपका। चलिए तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का, है ना ये क्वेश्चन का आंसर ये है। एक और क्वेश्चन देखिए, अब वही चीज़ है, ठीक है, 1937 में जब इलेक्शन हुए तो यूनाइटेड प्रोविंस जो आज के समय का यूपी है, वहां पे जो फर्स्ट इंडियन वुमेन प्राइम मिनिस्टर चुनी गई उनका नाम क्या है, तो आज के समय का यूपी है यूनाइटेड प्रोविंस, आंसर क्या है इस क्वेश्चन, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है हंसा मेहता, ठीक है हंसा मेहता इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन उठाएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है, लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल, अब बताइए आंसर की, ये तो आसान है यार, ठीक है, सिराजुद्दौला है क्या, सिराजुद्दौला है आंसर, जल्दी से बताइएगा, सिराजुद्दौला इज द आंसर, कमेंट करो बताओ आंसर के इस क्वेश्चन का। भाई कल वर्ल्ड अफेयर की वीडियो जरूर देख लेना, करंट अफेयर अगर फुल रिविजन मार रहे हैं तो, कल कंपाइलेशन आएगा वर्ल्ड अफेयर पे, सुबह सुबह ही देख लेना उठते ही। चलिए तो आंसर है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर है सिराजुद्दौला इसका आंसर है। मीरा बहन महात्मा गांधी जी, अच्छा ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से मिला है कि कौन से व्यक्ति मैडलेन क्लेयर स्लेट को मीरा बहन कहते थे, वही जो मैंने अभी आपको आंसर बोला है, ठीक है बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है सेम अभी मैं महात्मा गांधी जी बोल रहा था, रेड क्रॉस की स्थापना एच जो है जे एच डोरेंट के द्वारा की गई, कुछ ज्यादा ही आसान क्वेश्चन हो गए कुछ, है ना, इसमें से कौन थियोसोफिकल सोसाइटी से एसोसिएटेड नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ो आंसर सही देना, बताओ आंसर क्या इस क्वेश्चन का, क्या है आंसर इस क्वेश्चन का जल्दी से बताइएगा, कमेंट करिए आंसर क्या इस क्वेश्चन का। एनर्जी बढ़ाओ अपनी, आज आज पॉलिटी पढ़नी है, आज बैक टू बैक सेशन दो दो के सेट करवा रहा हूँ, जैसे मैं आपको हिस्ट्री और पॉलिटी करा दूंगा उसके बाद एक अच्छा खासा गैप दूंगा, फिर 7 और 8 बजे का पेपर, 7 बजे क्लास होगी 8 बजे पेपर होगा, फिर अच्छा खासा गैप दूंगा, ठीक है, तो ऐसे करा रहा हूँ जिससे आपकी एनर्जी भी कम नहीं होगी और आप आज ही पूरी जीके रिवाइज कर लोगे, इससे बढ़िया मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए जो मैं आपके लिए अभी कर रहा हूँ, ठीक है काम आएगा आपके लिए बहुत। चलो तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का, बाल गंगाधर तिलक नहीं थे संबंध ऑब्वियसली, बाकी तीनों थे, है ना, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या। हाँ जी 1928 में कौन सी कमीशन आई थी रिफॉर्म लाने के लिए, 1957 जो है 1935 बीसी से बना था। चलिए तो आंसर क्या इस क्वेश्चन, कौन सी कमीशन आई थी 1928 के आसपास, आसान है।
चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 1928 के आसपास साइमन कमीशन, ठीक है, साइमन कमीशन 1928 के आसपास साइमन कमीशन। एक और क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन डिड रंजीत सिंह डाइट, रंजीत सिंह जो है इनकी मृत्यु कब हुई थी, महाराजा रंजीत सिंह। चलो तो आंसर है 1839। एक और क्वेश्चन देखिए, कमेंट करिए, अच्छा क्वेश्चन था। इसमें से कौन से गवर्नर जनरल है जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर से संबंधित है, टीपू सुल्तान के समय से, बताइए टीपू सुल्तान के समय से संबंधित कौन थे, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या, कमेंट करिए आंसर क्या इस क्वेश्चन। कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस है ना, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या। चलो तो लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका आंसर है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, कुछ तो मतलब ऑप्शन तो यही दे रखा है ना, यही करना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है कौन से ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने हेड करी थी, क्वेश्चन खतरनाक, क्वेश्चन डिफिकल्ट है थोड़ा सा, लेकिन आता है ऐसा क्वेश्चन ना, टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आंसर है एमएससी मैकडॉनल्ड्स का आंसर। एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, वो बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, काम आएगा आपके, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है ना, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। इन विच कंट्री इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी वॉज सेटअप ड्यूरिंग ब्रिटिश ईरा, इंडिया इंडिपेंडेंस कमेटी जो है कहाँ पे सेटअप की गई थी, जर्मनी में सेटअप की गई थी क्या, बताइए क्या जर्मनी में सेटअप की गई थी, जल्दी से बताइए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जर्मनी में सेटअप की गई थी क्या, बेटा 2 घंटे तो लगातार पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना 2 घंटे पढ़ेंगे, नहीं तो यार आधे घंटे 1 घंटे में क्या ही पढ़ाई होती है, 2 घंटे तो पढ़ो फुल। इसलिए मैंने दो दो के सेट लगाए कि पॉलिटी हिस्ट्री करा दूंगा, 7 बजे का मिसलेनियस प्लस पेपर करा दूंगा, तो ये 4 चीज़ों में बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी हो जाएगी तैयारी। फिर एक करंट अफेयर का सेट करा दूंगा पूरा, रिविजन चाहिए एक अच्छी आपको, पढ़ा आपने बहुत कुछ है, रिविजन भी नहीं करोगे, बेकार है सब पढ़ा हुआ। जर्मनी इसका आंसर है, अरे फेमस जामा मस्जिद दिल्ली में जो है किसके द्वारा बिल्ड किया गया था, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, ये बहुत आसान, शाहजहां के द्वारा। पहला रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन बंगाल में कौन सा था, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। पहला रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन बंगाल का, जल्दी से बताइएगा, फर्स्ट रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बंगाल, बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन, फर्स्ट रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बंगाल आंसर क्या इस क्वेश्चन का। चलो तो ध्यान रखिएगा, जो पहला रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है बंगाल का वो कौन सा था, इस क्वेश्चन का आंसर भी ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है आ सकता है। अंशुलिन समिति इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ड्यूरिंग द रूल ऑफ वॉइसरॉय फॉर द फर्स्ट टाइम इलेक्शन वॉज हेल्ड इन 11 स्टेट, कौन से जो वॉइसरॉय थे जिसके समय 11 स्टेट में इलेक्शन हुए थे, तो मैंने अभी आपका को कराया है, पंजाब और बंगाल में नॉन कांग्रेस का जो है पार्टी बनी थी, मिनिस्ट्री बनी थी, सॉरी, बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आंसर है लॉर्ड लिंगथन के समय जो है ये इलेक्शन हुए थे। एक और क्वेश्चन देखिएगा, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी से संबंधित लॉर्ड का नाम बताइए, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी से संबंधित जो लॉर्ड थे। मैं आपको 5-10 मिनट का ही गैप दूंगा, उतने में मैं आपको लिंक टेलीग्राम पे दे दूंगा, टेलीग्राम पे लिंक आ जाएगा, लिखा होगा क्विक रिवीजन ऑफ पॉलिटी, लिंक को ओपन करके क्लास में आ जाना, वेट कर लेना, डिस्कशन कर लेना अपना चैट बॉक्स में, जिस जो भी बच्चा जिसे भी जो भी पढ़ रहा है, ठीक है, 2 मिनट लगेंगे हार्डली, क्लास स्टार्ट हो जाएगी 4:15 पे पूरी, ठीक है, कॉम्बिनेशन देखना हिस्ट्री पॉलिटी का बहुत काम आएगा, 4:15 पे क्लास स्टार्ट हो जाएगी, मुझे हर बच्चा लाइव चाहिए जो बच्चा मुझसे रेगुलर पढ़ता। आंसर है लॉर्ड रिपन इसका आंसर है। हु वाज द वॉइसरॉय व्हेन जलियांवाला बाग मैसेकर हेल्ड, जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ उस समय कौन थे, देखो वही सिंपल सा कंसेप्ट है, थोड़ा सा आइडिया लगाओ, रोलर अटैक कब हुआ था, उसी उस समय कौन थे, है ना। तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का, क्लैमफोर्ड इसका आंसर है। फिजिकल सोसाइटी के हेड कौन इंडिया में, इंडिया में पूछा, क्वेश्चन को देख लो, गलत नहीं होना चाहिए, गलत हो जाता है ये क्वेश्चन, बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का।
चलो जैसे क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं ना बच्चे, गलत हो जाता है आंसर, एनी पेशेंट है। होता क्या है बच्चे, बी लगा देते हैं, सी लगा देते हैं ज़्यादातर, है ना। आंसर इसका एनी पेशेंट है। इंडिया में थिस्को सोसाइटी एनी पेशेंट से संबंधित। गांधी जी, वेयर डिड गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह सभा, फॉर्म द सत्याग्रह सभा, कहाँ पे गांधी जी सत्याग्रह सभा बनाई थी। आंसर कैसे पूछूंगा बताइए, आंसर कैसे पूछूंगा। चलिए बताइए, गांधी जी ने सत्याग्रह सभा कहाँ बनाई थी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। बताइए गांधी जी ने सत्याग्रह सभा कहाँ बनाई थी, तो आंसर क्या है दोस्तों, बॉम्बे में। ठीक है, बॉम्बे में बनाई थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि भाई गांधी जी ने बॉम्बे में सत्याग्रह सभा बनाई। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिएगा, जैसे अभी हमने बैरूड वाला किया था वैसे ही सेम लखनऊ में 1857 के रिवोल्ट से कौन थे, ये तो फेमस है, आसान हो गया क्वेश्चन, है ना। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है बेगम हजरत महल, इसका आंसर है। ठीक है, आसान है क्वेश्चन ये। ठीक है, ब्रिटिशर्स जो ये क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, हैदर अली की मृत्यु कौन से वर्ष हुई थी, बताइए। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, देखो यार, हैदर अली की जो मृत्यु हुई थी वो कौन से वर्ष में हुई थी, ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का आंसर है 1782 में। ठीक है, 1782 में हुई थी। ठीक है, 1782 में हैदर अली की मृत्यु हुई थी। चलो एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर, इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के ऑथर को नाम बताइए, कौन थे ऑथर, इसका आंसर क्या होगा, ऑथर कौन थे, अरे हु वाज द ऑथर, हु वाज द ऑथर। चल तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, आंसर है वीडी सावरकर, इसका आंसर है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बताइए क्विट इंडिया मूवमेंट की स्थापना कौन से वर्ष में हुई, जल्दी से बताइए, क्विट इंडिया मूवमेंट की स्थापना 1942 में हुई थी। ये तो कुछ ज्यादा ही आसान क्वेश्चन हो गया, बरदोली सत्याग्रह 1928, ये हो चुका क्वेश्चन, करा दिया। चलिए, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पे मैं आपको लिंक दूंगा, जो आपकी पॉलिटी की क्लास है ना उसका लिंक मैं इसमें डाल रहा हूँ। ठीक है, 5 मिनट में क्लास जो है लिंक ऐड कर रहा हूँ आपका, इसके जस्ट क्लास के एंड होते ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। तो अब क्या कर रहे हैं, 10 मिनट का गैप दे रहे हैं, हार्डली 10 मिनट में आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है। मैं आपको इतना बता देता हूँ कि जैसे आप ये क्लास ज्वाइन करेंगे ना, आपको पूरी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, जो पीडीएफ में आपको चाहिए वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, पीडीएफ आपको पूरी मिलेगी। ठीक है, पीडीएफ आपको पूरी मिलेगी। मैंने 150 से 200 क्वेश्चन डाले हैं, रिविजन के लिए मैं पीडीएफ भी दूंगा, कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे। और अभी जो नेक्स्ट पॉलिटी की क्लास हो रही है, कोई भी मिस मत करना दोस्तों, बस इतना समझ लो, आज आपकी मेहनत आपकी जीके आसान कर देगी। आज पूरा दिन जीके को दे दो, इस टेलीग्राम चैनल पे 10 मिनट में आपकी क्लास स्टार्ट मैं करवा रहा हूँ, आपकी पॉलिटी की लिंक मैं अभी डाल रहा हूँ। ठीक है, सारे लिंक को ओपन कर लेना, डायरेक्ट पॉलिटी की क्लास में आओ, 10 मिनट में क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, बाकी आप मेरा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो अन अकेडमी पे लाइव अमन कोड यूज करिए, एक पूरा बैच आ रहा है, मैंने कहा था एक बैच लेके आऊंगा पूरा टीम के साथ, तो बैच आपका आ चुका है, यूटिलाइज करो।
सेशन को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। लेकिन अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, 10 मिनट में हार्डली पॉलिटी की क्लास स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। बैक टू बैक सेशन में दो सेट करा रहा हूँ, पहले हिस्ट्री पॉलिटी, फिर आपका 7 बजे और पेपर, दो चीज़ें कराऊंगा बाद में 7 बजे से, ठीक है। तो पॉलिटी कर लेना छोड़, नए क्वेश्चन है बहुत सारे पॉलिटी के आज।